नमस्कार। आज का पाठ है सिल्वर वेडिंग, लिखा है मनोहर श्याम जोशी ने। सिल्वर वेडिंग पेट पाठ। इस पाठ में सेक्शन ऑफिसर वाईडी यशोधर पंत के विवाह की 25वीं वर्षगांठ का वर्णन किया गया है। यशोधर अपने विभाग में सेक्शन ऑफिसर हैं और अपने कार्यालय में अपने सही समय तक बैठते हैं। भले ही उनका व्यवहार अपने साथ वाले कर्मचारियों के साथ रूखा हो, लेकिन फिर भी वो ऑफिस के लास्ट समय पर शाम को चलते वक्त थोड़ा बहुत परिहास भी कर लेते हैं। वहीं पर यशोधर बाबू के साथ वाले उन्हें पार्टी देने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आपकी 25वीं वर्षगांठ है, चलो पार्टी दीजिए। तो यशोधर चाय के लिए 10 रुपये तो देते हैं, लेकिन वो इसे सही नहीं मानते, समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। सारे सेक्शन के आग्रह पर वो सिल्वर वेडिंग मनाने को तैयार नहीं होते। उन्होंने 10-10 के दो नोट और दे दिए, किंतु आयोजन में भी शामिल नहीं होते हैं। यशोधर बाबू बाय सर्विस से तरक्की पाते हुए आज सेक्शन ऑफिसर हैं और उनके पहले के अधिकारी किशनदा जो हैं उनके अनुकरण करते हैं। उनका किशनदा के मार्गदर्शन से ही वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। सिद्धांतों के वो धनी हैं। प्रतिदिन वो बिरला मंदिर जाते हैं, वहाँ पर ध्यान लगाते हैं, प्रवचन सुनते हैं और वहाँ से पहाड़गंज जा कर के साग सब्जियाँ खरीदते हैं और वहीं पर लोगों से मिलजुल भी लेते हैं। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वो पैदल ही आया जाया करते हैं। ऑफिस का समय 5 बजे है, लेकिन वो रात्रि 8 बजे अपने घर पर पहुँचते हैं। आज जब वो बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी निगाह किशनदा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ती है। आज वहाँ पर 6 मंजिल का मकान बन गया है। यशोधर बाबू को 1 मंजिल क्वार्टर तोड़ करके ये मंजिलें बनाना अच्छा नहीं लगता है। जब उनका क्वार्टर तोड़ा जाने लगा, तब उन्होंने यही शेष क्वार्टर में से एक अपने नाम अलॉट करा लिया। किशनदा की स्मृति को बनाए रखने के लिए, उनकी याद को बनाए रखने के लिए वो इसी क्षेत्र में रहना चाहते थे। किशनदा की याद आते ही यशोधर सोचते हैं कि कितना अच्छा होता कि वह भी शादी नहीं करते, यानी पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देते। लेकिन जब उन्हें किशनदा का बुढ़ापा याद आता है तो उनका बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता। जब वो रिटायर हो गए किशनदा, तो उन्हें क्वार्टर खाली करना पड़ा, तो उनके साथी ने किसी ने भी उन्हें शरण नहीं दी और उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा। साल भर बाद ही किशनदा की मृत्यु हो जाती है। यशोधर को याद आता है कि जब किशनदा आते थे तो यशोधर के घर वो अवश्य आते थे। उन्होंने ही उसे जल्दी उठना और सैर पर जाना सिखाया था। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये मंत्र उन्होंने किशनदा ने ही उन्हें दिया था। किशनदा उनको भाऊ कहते थे, जो उनको बहुत पसंद था। लेकिन सिद्धांत के पक्के यशोधर पिछले कई वर्षों से अपनी पत्नी से मतभेद रखते थे। इसी कारण से वो 5 बजे ऑफिस के बाद जल्दी से घर लौटना नहीं चाहते थे। 8 बजे वो घर आते थे। उन्हें उनकी पत्नी का आधुनिका बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मूल संस्कारों से वह आधुनिक नहीं थी, वह तो बच्चों के कारण मॉडर्न बन गई थी। जबकि उनकी पत्नी की यह शिकायत है कि जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तब उनके पति ने कभी उनका पक्ष नहीं लिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो यशोधर परंपरावादी हैं, किंतु उनके बच्चे आधुनिक हैं और पत्नी बच्चों के पक्ष में रहती है। उनकी पत्नी परंपरा को ढोंग और ढकोसला मानती है। यशोधर बाबू पत्नी के इस बदलाव को देखकर सैनियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करें तमाशे आदि कह करके मजाक बनाते हैं। उनके बड़े बेटे को एक प्रमुख संस्था में 1,500 रुपये की नौकरी मिल जाती है और उनको साधारण पुत्र को असाधारण वेतन वाली नौकरी लगती है। मंझले पुत्र का एलाइड सर्विस में न जाना उनको अच्छा नहीं लगता। बेटी का विवाह के लिए तैयार न होना भी उनको खटकता है। बच्चों की कुछ बातें उनको सही लगती हैं कि जैसे डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरने को वे मन ही मन अपनी भूल मानते हैं, बच्चों के तर्कों के सामने निरुत्तर हो जाते हैं और
ये किंतु यशोधर बाबू किशन दास से ही प्रभावित हैं, जो कहा करते थे, मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, शयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस वे यही सोचते। उनके रिटायर होने से पहले उनका बेटा सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास बना रहेगा। अगर बात करें मंदिर के स्थान की, तो वहाँ पर मंदिर में यशोधर का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो वास्तव में धार्मिक नहीं थे। वो तो घर से बचने के लिए मंदिर जाया करते थे। उम्र ढलने के साथ किशनदा के साथ मंदिर जाया करते थे, संध्या करते, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़ते, लेकिन उनका मन इन बातों में नहीं लगता था। वे मन को समझाने का प्रयास करते, लेकिन उनके बस की बात नहीं थी। प्रवचन में जनार्दन शब्द सुनकर के उन्होंने उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ जाती है, जिनकी तबीयत खराब है और उनका हालचाल पूछने अहमदाबाद जाना पड़ेगा। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि पत्नी को यह बात पसंद नहीं आएगी। उनके बच्चे और पत्नी का विचार है कि बिखरे हुए संयुक्त परिवार के प्रति यशोधर बाबू का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से मूर्खतापूर्ण है। यशोधर बाबू खुशी और गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि बच्चे भी ऐसा ही करें, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। पति और पत्नी में दोनों में मतभेद है। यशोधर बाबू का परंपरागत रूप उनकी पत्नी को पसंद नहीं है। उनकी पत्नी का मत है कि उनके पति ने स्वयं कुछ देखा ही नहीं है। माँ की मृत्यु के बाद अपनी विधवा बुआ के पास वो रहते थे, जहाँ बुआ का लंबा चौड़ा परिवार नहीं था। मैट्रिक करके दिल्ली आए तो कुंवारे किशनदा की छत्रछाया में रहा। किशनदा के पास गंवई लोगों से प्राप्त ज्ञान था, अतः उनकी पत्नी को उनकी यह बुढ़ापे वाली बातें पसंद नहीं थी। जबकि यशोधर को पत्नी का बिना बाजू का ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर दाल भात खाना, ऊंची हिल वाली सैंडल पहनना, ये समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी। दोनों में मतभेद जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ इस पाठ में दिखाया गया है। यशोधर जी चाहते थे कि समाज उन्हें सम्मानित बुजुर्ग माने, बच्चे उनका आदर करें, सब काम वो खुद ले लें, बच्चे खुद करना सीख जाएं, लेकिन ऐसा नहीं था। उनकी इच्छाओं पर किसी का ध्यान नहीं था। सब्जी का झोला लेकर टूटी फूटी सड़कों से गुजरते हुए जब वो घर आए तो उनकी दशा द्वारका से लौटे हुए सुदामा जैसी बन रही थी। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें खड़ी थी, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे, रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। यशोधर ने देखा कि उसकी पत्नी और बेटी भी बरामदे में खड़ी है, तो कुछ मेम साहब वहां से विदा ले रही हैं। लड़की ने जीन्स और बगैर बाह का टॉप पहना हुआ है। उन्हें फिर से समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। और चुपके से वह घर पहुंचे तो बेटे ने कहा झिड़की लगाते हुए कि बाबा आप ही हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। फिर वहां थोड़ा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी। यशोधर के भांजे चंद्रदत्त तिवारी ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 रुपये महीना कमाने लगा है, फिर से उन्हें यह समहाउ इम्प्रॉपर लगा कि उनके विवाह की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। केक, 4 तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, विस्की, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और उनको यह भी मलाल है कि जब वो ऑफिस गए तब किसी ने नहीं बताया कि शाम को पार्टी है। जब उनके पुत्र भूषण ने अपने मित्रों से उन्हें मिलवाया तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब दे देते, जिनके नाम उनको पहले बता दिए थे। उन्होंने वाईडी पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते। उन्होंने प्रयास किया कि भले ही संस्कारी कुमायुनी है, तथापि विलायती रीति रिवाज से अच्छी तरह परिचित है। इस समय भी वो किशनदा की राह पर ही चल रहे थे। बच्चों के आग्रह करने पर केक काटने के स्थान पर जाकर कई खड़े हो जाते हैं। यशोधर बाबू ने आज पूजा में ज़्यादा देर लगाई, क्योंकि वो चाहते थे
कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं तभी मैं उठूं, इसलिए वो पूजा घर में बैठे रहे। यशोधर बाबू सोचते हैं कि आज किशनदा होते तो मेरा मार्गदर्शन कर सकते और बताते कि मेरा बीवी बच्चों के प्रति क्या रवैया होना चाहिए था। पत्नी और रिश्तेदारों के चले जाने की बात मालूम होने पर वह गमछा पहनकर बैठक में आते हैं, जो उनकी बेटी को अच्छा नहीं लगता है। और बेटे के आक्रोश को सुनकर यशोधर भी उसकी जींस पर व्यंग्य कस देते हैं। यशोधर से जब उनको मिले प्रेजेंट खोलने के लिए कहा जाता है तो वह कहते हैं कि तुम ही खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो। भूषण उनको खोलकर कहता है, यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं तो फटा पुलोवर पहनकर जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। बेटी उनका कुर्ता पजामा उठाकर लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। यह पहनना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि इसे पहनकर दूध लेने जाया करें, जबकि कहना चाहिए था कि दूध मैं ला दिया करूँगा, अथवा गाउन पहनकर वे किशनदा बन गए हैं। किंतु उनकी आंखें इस समय नम हो गई, उन्हें फिर से किशनदा की याद आ गई। यहाँ पर अगर हम यशोधर की बात करें तो वह पुरानी पीढ़ी के प्रतीक हैं और रिश्ते नातों को, परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं, जबकि बच्चों की बात करें तो वो रिश्ते नातों और परंपराओं की बलि नहीं चढ़ना चाहते। दोनों पीढ़ियों में द्वंद्व है, टकराहट है। नई पीढ़ी को प्रगति के साथ साथ परंपराओं को भी निभाना चाहिए। यशोधर बाबू ये बात हमेशा सोचते हैं। उनके बच्चे परिश्रमी हैं लेकिन उनका व्यवहार आपत्तिजनक है। बच्चों के मन में अपने संबंधियों के प्रति कोई अनुराग नहीं है। भूषण बड़ी नौकरी पाकर भी पिता को कुछ नहीं देता, बल्कि उनके सामने पैसों की धौंस जमाता है। वह पिता को चिढ़ाकर कहता है कि वो कोई अच्छा सा नौकर रख ले जिसकी तनख्वाह वह दे देगा। इसी भांति सिल्वर वेडिंग पर गाउन का उपहार देकर कहता है कि फटा हुआ पुलोवर पहनकर ना जाया करें। बच्चों की यह बात बहुत ही आपत्तिजनक लगती है। लड़की खुद तो ढंग के कपड़े नहीं पहनती, पिता को उपदेश देते हुए झिड़की देने लगती है। बच्चों का यह व्यवहार भी यहाँ पर इस पाठ में थोड़ा आपत्तिजनक लगता है। अगर इस पाठ से संबंधित आपके कोई क्वेश्चन हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।